निकल जाओ मार दो तो क्या लिख पाड़ो बोला लिख क्या सफाई कर्मचारी हैं वो लोग टाइम से आते नहीं हैं और जो इधर उधर कूड़ा ये लगा रहता है और सफाई का जो नायक है वो भी ध्यान नहीं देता है कि कहाँ पर कूड़ा है। और यहाँ पर एक परिवर्तन करके वो संस्था लगी हुई है वो आधे इलाके में काम कर रही है आधे में नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर इतनी गंदगी है। और कई बार नगर निगम में वो की गई सूचना लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम सुरेश चंद है। आप तो हमें नहीं मालूम है मगर हमें इतना मालूम है कि हमारे एरिया का जो स्वीपर है वो चार चार पाँच पाँच दिन बाद आते हैं और कूड़ा हमारा मिलेगा क्योंकि हम नाली तक का कूड़ा निकाल देते हैं और बाकी की सारी साइडें आप देख सकते हैं झाड़ू तो लगा जाएंगे तीन चार दिन बाद मगर कूड़ा उठाने वो पाँच पाँच दिन बाद आएंगे। इलाका सबसे गंदा इलाका है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर हम तो यही कहेंगे यहाँ के मेट वगैरह राउंड पे ही नहीं रहते हैं, राउंड पे रहें तो वो कम से कम अपने वर्करों को देखें और समझें और उनसे कहें कि भाई ये कूड़ा क्यों लगा हुआ है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। आप करता ही हूँ कि वो कूड़ा अगर हमारे यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो गया नाली के पास तो मैं बोरी में भर के 80 फीट रोड पेट्रोल के पास एक कूड़ा घर था पहले वहाँ फेंकाता था, अब वो भी समस्या अभी बनी हुई है कि वहाँ भी नहीं जा सकता हूँ मैं, अब कूड़ा जीटी रोड पे जाता है। हमने ऑफिस में दो बार इसको बोला हुआ है, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, बोले मैं देखता हूँ। देखिए नगर निगम ये तैयारी कर रहा है जगह जगह जो कूड़े जलाए जा रहे हैं उस पर अब ज़्यादा निगरानी होगी सबसे ज़्यादा। और जो क्या कहते हैं कि जगह जगह जो चप्पल फैक्ट्री वाले हैं ये प्लास्टिक जला रहे हैं पॉलीथीन जला रहे हैं कूड़ा जगह जगह जो जल रहा है इसकी भी हम देख रेख में अब इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे प्रदूषण। और पेड़ तो लगवा ही रही हूँ मैं।